अच्छा पत्रकारों का कार्यक्रम हो तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? दोस्तों वैसे तो मोदी सरकार की चापलूसी करने वाले तमाम पत्रकारों को अक्सर किसी न किसी मोड़ पर बदनामी का इनाम मिलता ही रहता है, लेकिन झूठ बोलने वाले पत्रकार का तमगा देकर जिस प्रकार से एक कवि ने आज तक के मंच पर ही एंकर चित्रा त्रिपाठी पर कटाक्ष किया वो बेहद दिलचस्प है। चित्रा को देखते हुए कवि कहता है, झूठ बोलने की हमें ज़रूरत क्या है जब मंच पर पत्रकार पहले से ही मौजूद हों। ये सुनकर एंकर चित्रा का चेहरा नीला पड़ जाता है। हालांकि मुस्कुराने की कोशिश करती एंकर जिस प्रकार से जवाब देने का तर्क खोजते मायूस दिखती हैं, वो दिखाता है कि कवि की वो लाइन एंकर के भीतर काफी आघात और पीड़ा पहुंचा चुकी है। झूठ झूठ आज तक बोला नहीं है, और जब पत्रकारों का कार्यक्रम हो तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? लाइन सुनते ही महफिल में तालियों के साथ शोर उठता है। लोग बस चित्रा त्रिपाठी का चेहरा देखकर उन पर तरस खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि चैनल का कैमरामैन भी त्रिपाठी को बचाने की जद्दोजहद में बेहद अहम रोल प्ले करता है। जो ही निरुत्तर चित्ता का चेहरा नीला और अवाक जवाब तलाशते हुए निराश दिखता है, कैमरामैन तुरंत सीन चेंज कर देता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का मौजूदा महफिल ने जमकर मजा लूटा। हंसते हुए चित्रा के चेहरे पर तालियों की गड़गड़ाहट मानो उन्हें चिढ़ा सी रही हो। लेकिन आगे का सीन और दिलचस्प है। कवि कहता है, मैं वो नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हैं। फिर चित्रा को थोड़ा नेगोशिएशन का जैसे ही हिंट मिलता है, वो इस मसले पर नेगोशिएशन चालू करना शुरू करती है। फिर कवि कह देता है, हालांकि मैं कह वही रहा हूँ जो लोग समझ रहे हैं। इस पर चित्रा भले ही जवाब देते हुए हंस रही हो, लेकिन दोस्तों चेहरे का नीला पीला रंग तकलीफ को स्पष्ट कर रहा है। कहती हैं, मैं अब आपको बोलने नहीं दूंगी, एक पत्रकार को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आपने पत्रकार को छेड़ा कैसे? ये वीडियो सोशल मीडिया पर दोस्तों वायरल हो रहा है। वैसे अपने पैसे का सही इस्तेमाल करते हुए कवि ने जिस प्रकार से पत्रकारों को आईना दिखाया है वो हंसते हुए ही सही पर लाजवाब है। शायद ऐसे ही लहजे में पत्रकार भी सत्ताधारियों से सवाल करते तो आज पत्रकारों को ऐसे निरुत्तर और अवाक जनता के सामने मंच पर नहीं रहना पड़ता। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।